सदगुरु श्री गजानन महाराज, जिन्हें उनके दुनिया भर में बिखरे असंख्य भक्तगण श्रद्धा एवं आदर से श्री नाम से संबोधित करते हैं, उनका जन्म 17 मई 1918 के दिन भारत में कोलकाता के पास खड़गपुर नगरी में हुआ था। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी द्वारा स्थापित अति प्राचीन गुरु परंपरा से उनका संबंध था। श्री जी का कहना था कि जिन प्रश्नों पर हम चिंतन करते आए हैं, उनके उत्तर ज्ञानी ऋषियों की सीख में पाए जाते हैं। वेद ये मनुष्य को ज्ञात अति प्राचीनतम लिखित ज्ञान भंडार है। वेद ये शब्द विद यानी जानना इस धातु से बना है। वेद का मतलब है विशुद्ध या सही ज्ञान। वेदों की रचना मंत्र या ऋचाओं के रूप में की गई है। वैदिक मंत्रों का दर्शन या प्रकटीकरण अलग अलग ऋषियों को कराया गया तथा ऐसे मंत्रों को उन ऋषि तथा शिष्य परिवार या विचारधाराओं से जोड़ा गया। ऋषियों ने उस मंत्र विद्या का रक्षण और संवर्धन किया। विविध शिक्षा केंद्रों या गुरुकुलों में बहता हुआ वो मानो एक ज्ञान का सागर ही था। महान दृष्टा महर्षि व्यास मुनि ने पवित्र मानदंडों को अपनाते हुए इन मंत्रों का 4 विभाग में संकलन किया। वेदों के 4 ग्रंथ इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्हें ईश्वर निश्वासित ऐसा भी कहा जाता है, अर्थात वे ईश्वर का श्वास हैं। उन्हें अपौरुषेय माना गया है, यानी वो मानव निर्मित ज्ञान नहीं है बल्कि ईश्वर द्वारा प्रकट किया हुआ ज्ञान है। दुनिया की कई भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे हैं जो शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से वेद शब्द से मेल खाते हैं, जैसे कि ओइटा ग्रीक, विटेरे लैटिन, विसेन जर्मन, विट या विस्टम इंग्लिश। वेद का मतलब है ज्ञान, अर्थात वो ही व्यापक एवं अगाध है। इसी कारण उसे अनादि, अनंत और नित्य कहा गया है। वेदों की रचना काव्य रूप में है। 3 विभागों में उन्हें देखा जा सकता है: ज्ञान, कर्म, उपासना। मंत्र पाठ या ऋचा गान इन खास छंदों में किया जाता है: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति, बृहति, ऊष्णिक। पवित्र ऋषियों को वेदों का प्रकटन प्राचीन संस्कृत भाषा में किया गया था। संस्कृत और आज की लोकप्रिय भाषाओं के शब्दों में बहुत समानता है। संस्कृत को देवताओं की भाषा यानी देववाणी भी कहा जाता है। ज्ञानी साधुओं को उच्च ध्यान अवस्था में ज्ञान का दर्शन हुआ, इसलिए उन्हें दृष्टा कहते हैं। ऋषियों ने गहरी ध्यान अवस्था में इस विस्तृत ब्रह्मांड के अनेक अंगों पर चिंतन किया और दैवी कृपा से उन्हें उन्मनी अवस्था में उनके स्पष्टीकरण एवं समाधान प्राप्त हुए। समाधान एवं स्पष्टीकरण की व्याप्ति देखकर उन्होंने भांप लिया कि ये उत्तर उन्हें किसी उच्च स्तरीय बुद्धि द्वारा प्रदान किया गया है। चाहे उसे हम फिर सृष्टि रचयिता या ईश्वर कह सकते हैं। ऋषियों को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान के रचयिता या अन्वेषक वे नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कथन किया। वैश्विक शक्ति ने वो ज्ञान उन्हें प्रदान किया, ऐसा उनका विश्वास था। अतः उस ज्ञान का श्रेय उन्हें स्वतः न लेते हुए केवल प्रजापति यानी जिस परमात्मा शक्ति से प्रजा तथा सारा जगत निर्माण हुआ उसे दिया। ऋषियों का ऐसा मानना था कि वैदिक ज्ञान एवं समाधान इतने उच्च और मौलिक थे कि उनका मानवीय मन में उद्भव होना या निर्माण होना असंभव था। उन्हें इस बात की कल्पना थी कि ऋषियों को उनकी ध्यानावस्था में ज्ञान का दर्शन किसी ऐसे वैश्विक ऊर्जा स्रोत द्वारा कराया गया है जिसे अभी मानव जाति ने पूर्ण रूप से जाना नहीं है। विश्व के विविध पहलुओं की मौलिक जानकारी वेदों में मौजूद है। ऋषियों ने उसका अध्ययन किया तथा सूचीबद्ध करके उसे पूर्णतया अपने शिष्यों को प्रदान किया। इन शिष्यों ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया।
शिक्षा ग्रहण करने की तथा प्रदान करने की यही अपनी प्राचीन प्रणाली रही है। इसे गुरुकुल या आवासीय विद्यालय कहते हैं। यहाँ शिष्य अपने गुरु के पास निर्धारित विद्यार्जन का कार्य पूरा होने तक रहा करते थे। वेदों में मंत्र ज्ञान है। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा बड़े कठिन परिश्रम से मंत्रोच्चारण की शुद्धता एवं शुचिता का रक्षण एवं संवर्धन किया गया है। किसी घटना या प्रक्रिया का विवेचन करने के लिए संस्कृत भाषा के अनेक नियमों का पालन कर ऋचाओं में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ में पुनश्च उन शब्दों को क्वचित ही दोहराया जाता है। शिष्य को इन नियमों को उसके भावार्थ के साथ अपने गुरु से सीखना पड़ता था। आज कोई मंत्र यदि आभासी या दृश्यमान अर्थ से भाषांतरित किया गया है तो भावार्थ को नजरअंदाज करने से उसका अलग ही मतलब निकल आएगा। जैसे एक ऋचा जिसमें अग्नि का वर्णन है, शाब्दिक भाषांतर से ऐसे प्रतीत होगी, अग्नि एक ऐसा प्राणी है जो बैल जैसा दिखता है, जिसके चार सींग हैं, तीन पांव हैं, दो मुख है, सात हाथ हैं और वो तीन रस्सियों से बंधा हुआ है। ये अग्नि तत्व की रूपकात्मक प्रस्तुति है। परम सद्गुरु ने इसका भावार्थ स्पष्ट किया। दिव्य अग्नि जो यज्ञों में इस्तेमाल की जाती है उसका ये वर्णन है। अग्नि तत्व का वर्णन भी उसी रूपक द्वारा किया गया है। इसीलिए उसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए। चार सींग यानी चार वेद, कर्म, उपासना एवं ज्ञान, ये तीन विभाग यानी उसके तीन पांव हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय ये दो संध्या समय जब अग्निहोत्र किया जाता है वे उसके दो मुख हैं। विस्तारित अग्निहोत्र यानी त्रयाग्नि विस्तार में या अन्य बड़े यज्ञों में तीन प्रकार के अग्नि का प्रयोग किया जाता है। यही वो तीन रस्सियां हैं जिससे वो बंधा हुआ है। एक ऋचा के उपरोक्त दो भाषांतरों को देखिए, फर्क क्या है इस पर गौर कीजिए। जहां पहला संस्करण केवल आभासी शाब्दिक अर्थ को महत्व देता है, वहीं पर दूसरा बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से इस पवित्र ऋचा का अर्थ दर्शाता है। किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का रूपकात्मक चित्रण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंगों को याद रखने में मददगार साबित होता है। इस ऋचा में यज्ञ प्रक्रिया तथा उसमें निहित अग्नि की महत्वपूर्ण भूमिका का संबंध बेहतरीन तरीके से वर्णित किया गया है। परम सद्गुरु के अनुसार वेदों की प्रमुख सीख है मा हिंसी। इसका मतलब है किसी को काया वाचा मन से चोट न पहुंचाओ, किसी को भी दुख ना दो, क्योंकि सब कुछ एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है। हमारा स्वयं का अस्तित्व भी उसी सार्वभौमिक चैतन्य का अंश है।